अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 15 सालों में पहली बार भारत फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में पहले पायदान पर पहुंच गया है। इस मामले में भारत ने ब्राजील जैसे बड़े देश को पीछे छोड़ दिया है। अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये जानकारी दी है। बता दें, अरब ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्राजील और अरब के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इन दोनों देशों के बीच संबंधों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट के अनुसार अरब देश ब्राजील के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में पूरी दुनिया में व्यापार बाधित हुआ। कोरोना के कारण ब्राजील ने भी इन देशों से व्यापार में दूरी बनाई, जिसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्राजील की अरब देशों से भौगोलिक दूरी भी उसके पिछड़ने का कारण बनी है। पहले ब्राजील के जहाज जहां सऊदी अरब में एक महीने में पहुंच जाते थे, वहीं अब इनके पहुंचने में 2 महीने लग जाते हैं, जबकि भारत इसके काफी करीब होने की वजह से महज 1 हफ्ते में वहां फल, सब्जियां, चीनी, अनाज आदि पहुंचा देता है। पिछले साल यानी साल 2020 में 22 अरब देशों के कुल एग्री बिजनेस उत्पादों के निर्यात में ब्राजील का हिस्सा महज 8.15% रह गया, जबकि भारत का हिस्सा बढ़कर 8.25% हो गया। ब्राजील से निर्यात कम होने की वजह से सऊदी अरब ने अपने देश में ही उत्पादन पर जोर दिया और भारत जैसे दूसरे विकल्पों से आयात को बढ़ावा दिया। बता दें, इस साल भारत 20 से 25 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। भारत से काफी मात्रा में गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को भी मानवीय मदद के तौर पर 5 करोड़ किलो गेहूं देने की बात कही है। ये गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने भी इस पर मंजूरी दे दी है। गेहूं के अलावा भारत अफगानिस्तान को कोरोना वायरस के टीके भी उपलब्ध कराएगा। भारत द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने का इतिहास काफी पुराना है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 दशक में भारत ने अफगानिस्तान को 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं मुहैया कराया है। पिछले साल भी भारत ने 75,000 मीट्रिक टन गेहूं देकर अफगानिस्तान की सहायता की थी। ये जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर 2021 में अफगानिस्तान के सियासी संकट पर हुई संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में दी थी। जहां तक भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्तों का सवाल है, वो पहले जैसे ही हैं। मतलब पाकिस्तान से भारत चीजें आ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकती सिवाय कॉटन और गन्ने के। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.